गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज़ प्रियांशी, आप देख रहे हैं प्रियांशी एंड पास शो। और आज हम करेंगे क्लास सेवन्थ वचन भाग दो हिंदी चैप्टर वन, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। इस चैप्टर के कवि का नाम है शिव मंगल सिंह सुमन। चलो हम लोग कविता स्टार्ट करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बनना गा पाएंगे, कनक तितलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण शिखाले के बंधन में अपनी गति उन्न सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नंभ की सीमा पाने, लान किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमा हीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनी सांसों की डोरी। निडन न दो चाहे टहनियों को आश्रम छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कवि शिव मंगल सिंह सुमन। और ये मैंने कुछ प्यारी सी छोटी सी चित्र बनाई है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चैप्टर की शब्दार्थ भी लाऊं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। थैंक यू।